या हमको लगता है बीच में मोदी जी को छोड़ना ना पड़ जाए, किसी और के हैंडओवर न करना पड़ जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस ना आए, मोदी जी कुछ भी करेंगे। उनको दुनिया में सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, कि मोदी जी की सरकार मेरिकलस नहीं कर पाएगा और सूली पे लटकेंगे। नीतीश कुमार जी जल्दी छुटकारा नहीं लेंगे तो इनका दल टूटेगा। चंद्रबाबू नायडू का दल सिर्फ बचेगा। जितने सिंगल और डबल है डिजीज में, वो सब जाएंगे, जो मैं समझता हूँ। लेकिन अभी के हालात में रामो करम पर उनकी सरकार है। आप दोनों खेमे में से किसको मजबूत मान रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अच्छा एक बात बताइए ना, हम उसके प्रवक्ता हैं ना, हम किसी दल में हैं, हमसे ये सब बात काहे ले पूछ रहे हैं? अच्छा ना हम भविष्यवक्ता हैं, लेकिन एक राजनीतिक परिपक्व आदमी है तो मेरी समझ है, जो मैं समझता हूँ, एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार गई, मोदी जी की मैजिक गई। मोदी जी के साथ जो रहे हैं, मेघालय को बर्बाद किया इन्होंने, नवीन दादा को बर्बाद किया। नीतीश कुमार जी जल्दी छुटकारा नहीं लेंगे तो इनका दल टूटेगा। चंद्रबाबू नायडू का दल सिर्फ बचेगा। जितने सिंगल और डबल है डिजीज में, वो सब जाएंगे, जो मैं समझता हूँ। लेकिन अभी के हालात में रामो करम पर उनकी सरकार है और 5 MP ममता दीदी के साथ है बीजेपी के, एक बात समझिए। और शिवसेना के 5 MP उद्धव जी के साथ लगभग टच में है। तो जो राजनीति, हमें ममता दीदी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राफ भी भेज दिया गया है कि 5 MP ममता के साथ चली गई, आप इसको समझिए। और 5 इधर गायब हो गया तो 10 निकल गया। नहीं, ये कितनी मजबूती के साथ ये सरकार चलने वाली है, आपको क्या लग रहा है? भैया हमको लगता है बीच में मोदी जी को छोड़ना ना पड़ जाए, किसी और के हैंडओवर न करना पड़ जाए। राहुल गांधी और कांग्रेस ना आए, मोदी जी कुछ भी करेंगे। उनको दुनिया में सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, और वो नहीं आए उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। अब मैं जितना समझता हूँ, और मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार मेरिकलस नहीं कर पाएगा और सूली पे लटकेंगे। 2025 में बिहार का चुनाव है, या तो तब तक नीतीश जी साथ रहेंगे, या तो पहले छोड़ेंगे या चुनाव के बाद छोड़ेंगे, मैं जो समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है। चंद्रबाबू नायडू का जो सेंटीमेंट है वो बीजेपी के साथ गाइड नहीं है। साउथ बिल्कुल डिफरेंट है, चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप बिल्कुल डिफरेंट है। पहले भी चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर थे और पुनः एक बार लालू यादव के बाद किंग मेकर बने हैं नीतीश कुमार जी। तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि तेजस्वी जी वहां पर खुद आपके पूर्णिया सीट पर वो 4 दिन उन्होंने कैंपेनिंग किया। हमको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, जो बात गई बीत गई, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे तकलीफ इस बात का है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ओथ नहीं लिए हैं, परसों प्रफुल्ल पटेल का सब केस माफ कर दिया, सारा केस माफ कर दिया, और तेज प्रताप जी पर भी उनके परिवार में केस लगा दिया, तो मैं इसका विरोध करूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। आप उस परिवार के लास्ट बचे हुए को भी, आप राबड़ी देवी को भी 4 सीट कर दिए, तो मोदी जी अब तो बकसिए जान, अब तो काम करिए, नीतिगत बात करिए। आपने प्रफुल्ल पटेल का सब केस उठा दिया परसों, जितने केसेस थे, और फिर 4 सीट कर दिया, तो ऐसे चीजों का विरोध तो मैं सदन में भी करूंगा, सदन के बाहर भी करूंगा। मुझे निजी हमला पसंद नहीं।